हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए। करंट एनर्जीज में स्पेशली जो रिलेशन ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं उनकी करंट एनर्जी चेक इन, क्योंकि आज न्यू मून डे है, वेरी इंपॉर्टेंट। फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स, इस वक्त एनर्जी चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये सिचुएशन की। तो देखते हैं कि क्या असर होता है। बहुत नई शुरुआत की असर आ रही है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फील हो रहा है, रीयूनियन फील हो रहा है। तो भी जो आ रहा है वो मुझे जो लग रहा है वो फील बता रही हूँ, बाकी यूनिवर्स की मर्जी। स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि चक्रास कहाँ अटके है। रिन्यूअल, मैंने कहा ना एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की फीलिंग आ रही है। ग्रैटिट्यूड, इम्पार्शलिटी और बिटर स्वीट डिस्कवरी और बैलेंस, एक्सपेंशन बॉटम डेक है, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा था जैसे ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, एक्सपेंशन, नया आगे क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब एक एक्सटेंड करना। जैसे कि अगर बात नहीं बात कमिटमेंट के लिए रुकी थी, तो आगे चल के वो कमिटमेंट के लिए आगे बढ़े। हालांकि इन रिलेशंस में, स्पेशली ट्विन कनेक्शन में, बात शादी होना या एक रोमांटिक रिलेशनशिप इसका एक मतलब नहीं होता। बट एनर्जीज की बात करें ना, एनर्जीज वो यूनाइट होती है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तब इनके कनेक्शंस में एक अलग ही एक लेवल बढ़ता है ना। तो चीज़ें ना उनके आसपास इस कदर बदलती है, क्योंकि वो देने के लिए बने हैं, वो देने के लिए बने हैं। तो चीज़ों को वो जब देने लगते हैं, लाइक कि आपने किसी किसी की मदद करना या ऐसा कुछ काम करना जिसकी वजह से स्पेशली समाज का भला हो, उसकी वजह से ना आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, और वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कि आप में एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही एक सेंसिटिविटी फील होती है, और यही चीज़ आपके दूसरे सोल को कनेक्ट करती है। क्योंकि जैसे आपके पाप, आपके पुण्य, हर चीज़ जैसे मायने रख रही हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे अगेन दो बार ऐसा है ना, बैलेंस की एनर्जी, जहाँ पे उनकी एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। एक रिन्यूअल प्रोसेस, इनकी जो सोल लेवल पे एक जर्नी थी, या उसमें कुछ ऐसे ट्रिगर्स है जहाँ पे उनको बदलना है अपनी जो हैबिट्स है ना, कि जैसे किसी चीज़ का ना ग्रैटिट्यूड नहीं होना, कि ये रिश्ता अगर था, एक सोल कनेक्शन है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड ना होना, कि इस बात का एहसास नहीं है, कोई आया गया या फिर नहीं है, इस बात का जैसे एहसास नहीं होना, कोई सोल मुझे बुला रहा है या उस चीज़ की कदर ना करना। हर चीज़ मुझे ऐसा फील हो रही है ना कि एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जो इनमें मिसिंग थी, रिश्ते को एक कड़वाहट, एक खूबसूरत रिश्ते को, एक मीठे रिश्ते को कड़वाहट में बदला गया था इनकी तरफ से। तो ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ बैलेंस हो रही है, कि कहीं ना कहीं उनको अंदर ही ना सोल कनेक्शन की मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जहाँ पे उनको ही दिल से एक फीलिंग है कि आपका कनेक्शन कुछ तो स्पेशल है, और वो एक मैग्नेटिक पुल की तरह एक फील कर रहा है, उनकी एक सोल में एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, बैलेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे कि उनकी जो एक जो मस्कुलन एनर्जी, भले वो फीमेल भी हो, लेकिन एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टॉर्टेड थी। तो अभी वो चीज़ बदल रही है बहुत ज़्यादा, एक रिन्यूअल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एंड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो। सेवन ऑफ वैंड्स, द मून, द एम्परर, द डेविल, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स,
टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, गिर गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ डेक है एट ऑफ वैंड्स। तो इनकी एनर्जी जिस तरह से है ना, कि खास करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपको ट्रिपल टू एंजल नंबर दिख रहा है काफ़ी वक्त से, और आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ के ऊपर काम करो, जानो इसका मतलब क्या है, आपकी आप में अंदर किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना कि जो शिफ्ट नहीं होना चाहती, अपने आप को जैसे बचाना चाहती हो, अपने आप को जैसे ना एक संभाल के रखना चाहती हो, जैसे कोई मुसीबत का सामना ना करना हो या फिर अपने ही इमोशन से भागना हो। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि एक ऐसे एडिक्शंस, ऐसे अपने ही मन में चीज़ की, जैसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये आपके तो मन का वहम है। जो सोल आपको पुकार रहा है वो आप ही का दूसरा पार्ट है, ये बात वो समझ नहीं पा रहे। अपनी ही जिद, अपनी अना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारी पे इतना फोकस्ड है कि एक सोल के लिए भी उनका कुछ एक हक बनता है, एक उसके लिए भी उनको कुछ करना बनता है, ये जैसे उनको एहसास नहीं हो रहा है। यूनिवर्स उनको ट्रिगर्स दे रही है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी सोल ग्रोथ, उसके भी पर ध्यान देना है, बट आप दुनियादारी के दायरों में फंस गए हो। आप कन्फ्यूजन हो जाता है आपके मन में कि दिमाग, दिल और दिमाग, हर चीज़ में जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप जिसमें किसी टाइम लूप में फंसे हो, ऐसे यूनिवर्स उनको कहना चाहती हो। लेकिन इनको ये सब सिचुएशन का ना अंदाज़ नहीं होता। कुछ लोग हैं ना अपने इमोशंस को लिटरली अपने दिल में गाड़ के बैठे, गाड़ के दिखाई नहीं रहे, या फिर अपने ही इमोशंस को दबा देते हैं, या फिर अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे, जबकि उनको एक्सप्रेस करना, जैसे हार्ट चक्रा जैसे ब्लॉक करके रखा हो वाली फीलिंग है। अपनी ही जो भी सिचुएशन है ना, लाइक अपनी जिद अना, या फिर अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ के वजह से, कि जैसे दिखा रहे हैं ना वो नहीं है, बस अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की, अपने आप मैं कुछ हूँ या मैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यही दिखाने में लगे हैं। जबकि यूनिवर्स चाहती है कि आप इस चीज़ों को समझो, अपनी फीलिंग्स को समझो। फीलिंग्स सिर्फ छुपाने का नाम नहीं, फीलिंग्स दिखाने का भी नाम होता है। एक्सप्रेस करना है आपको, सोल से, उस सोल से कनेक्ट होना है, ताकि आपको एनर्जी एक्सचेंज हो, हीलिंग मिले, और हीलिंग से फिर आप दोनों भी ग्रो करो। ये जैसे यूनिवर्स उनको कहती है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक उनको ड्रीम्स आते हैं, उनको भी कुछ ऐसे एहसास होते हैं कि जहाँ पे कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ तो कनेक्शन है। लेकिन मतलब जैसे यूनिवर्स उनके जिस तरह से ट्रिगर दे रही है ना कि दुनियादारी के प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो उस चीज़ में रोने के अलावा, उस प्रॉब्लम से जूझने के अलावा उनको कुछ सूझ नहीं रहा। उनको ये नहीं पता कि इस प्रॉब्लम का उनके लिए, उनके हक में सोल्यूशन कुछ और भी हो सकता है। एक सोल ग्रोथ या एक स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में। और इनका जो एक ना एटीट्यूड ही ऐसा है ना कि बस अपने आप को छुपाए जा रहे हैं, अपने आप को बंद रख रहे हैं, एक एनर्जी में रह रहे हैं कि जहाँ पे सिक्योर लाइफ, यू नो, या फिर अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ही पकड़ के रह रहे हैं कि चलो मेरी ये हालात है ना, इसी को पकड़ के चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि खुलेंगी, क्योंकि इनकी जो जिस तरह से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस दिख रही है, कि जितना वो ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे हैं ना, उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन उनके सामने आता जाएगा। ये कनेक्शन अगेन फोर ऑफ वैंड्स ऐसी 11-11 का कार्ड आया है, तो आपका जैसे यूनियन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन भी होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बात एक्चुअली ना कम्युनिकेशन आपकी रुकी है कि पहले बात तो हो जाए, ठीक से बात हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ भी बात है उसका सोल्यूशन निकले, बट वही प्रोसेस से वो भाग रहे हैं ऐसे फील हो रहा है। देखते हैं कि मेजरली इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, जो कनेक्शन है, स्पेशली ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसका आउटकम क्या हो सकता है, देखेंगे। द हायरोफेंट, द स्ट्रेंथ,
मुझे ऊपर दो कार्ड आए, टेम्परेंस एंड द लवर्स। सो इसलिए कार्ड जाना चाहते थे, बेसिकली मिलन होगा। यूरेनियन की एनर्जी, मैंने कहा ना कि यूरेनियन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, बस अपनी सोल के ऊपर काम नहीं कर रहे, ये बात है। यू नो, आपको भी इस सेपरेशन में इसीलिए डाला गया है, लेकिन जिस सोल के कनेक्शन के ऊपर काम नहीं हो रहा है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ, यू नो, एक सोल स्ट्रेंथ को समझा नहीं जा रहा है, और बेसिकली स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझा नहीं जा रहा है, इसमें जो एक ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसे समझा नहीं जा रहा है। बस उसी की वजह से जैसे डिवाइन टाइम रुका गया है। यस, ये होगा, रिनियन ज़रूर होगा। इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ना, वो शुरू है और वो होके रहेगी। दो कार्ड्स आए हैं, इवन सन का कार्ड आया है ना, आप जानते हैं कि सन का कार्ड आने के बाद सब चीज़ें लाइक सॉल्व हो जाती हैं। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस आते हैं। इनको एक कोडिपेंडेंट या कार्मिक बंधन बहुत सारे हैं। उनकी बर्थ डेट मुझे अगेन बार बार 13, 16 and 17 बहुत ज़्यादा लग रही है। सिल्वर वाटरफॉल तो फ्री होने की एनर्जी है, जहाँ पे वो अपने आप को ही तलाश करेंगे, एक फ्री इमोशनल फ्रीडम मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यस, ये इमोशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे कि इमोशंस को दबाना, कंट्रोल करना, या फिर कोई भी निगेटिव इमोशंस है उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फॉरगिवनेस, ये किसी चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और ये ज़रूर करना चाहिए। इवन आपको भी फॉरगिव करना चाहिए, लव वाइब्रेशन सेंड करनी चाहिए, आप दूसरे के लिए एक बने हो, और इस रिश्ते के ऊपर जैसे मेहनत होगी इनकी तरफ से। बॉटम डेक है यिन एंड यांग, तो बार बार रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कि जैसे कोई, माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट जिनकी है, इनकी एनर्जीज की बात करी मैं। एंड बी हम्बल, बार बार यही मैसेज आ रहा है अगेन, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा, बी हम्बल, यूनिवर्स के शरण में जाइए, यूनिवर्स के शरण में जाइए, अपने आप को बस एंग्जाइटी से और सब चीज़ से दूर रखिए, मेडिटेशन के लिए ट्रस्ट द यूनिवर्स। सी, बार बार अगेन वही मैसेजेस आ रहा है, ट्रस्ट द यूनिवर्स, टेक द इंस्पायर्ड एक्शन। मेडिटेशन करने के लिए कहा गया है, फॉरगिवनेस थेरेपी करने के लिए कहा गया है, आपको बहुत एडवाइजेबल है। रीडियन की एनर्जी है, ट्रिपल टू एंजल नंबर, 69 एंजल नंबर आपको अगर दिख रहा है, तो आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो चीज़ें बदलना ज़रूरी था, यूनिवर्स अपना काम करिए, आप अपना काम कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।